वेलकम उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो कि बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं या किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। आज मैं आपको ज़फर सिक्योरिटीज के अकाउंट फॉर्म को फिल करने के बारे में गाइड करूंगी। बेसिकली फॉर्म को तीन हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, CDC सब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ज़फर सिक्योरिटीज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और नो योर कस्टमर KYC फॉर्म। सबसे पहले हम CDC सब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट अगर सिंगल है तो आप सिंगल पर टिक करेंगे, अगर ज्वाइंट है तो आप ज्वाइंट पर टिक करेंगे। इसके बाद जैसे कि फॉर्म के ऊपर भी लिखा हुआ है, आप सारे फॉर्म को ब्लॉक लेटर्स में फिल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट पर। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे एज पर CNIC, हस्बैंड और फादर नेम एज पर CNIC, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, अगर परमानेंट और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप अपना मेलिंग एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ अपना लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, अपना CNIC नंबर विद एक्सपायरी लिखेंगे, और अगर आप नाइकॉप होल्डर हैं तो यहाँ पर आप अपना नाइकॉप लिखेंगे विद एक्सपायरी। डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपना नाम और CNIC नंबर लिखेंगे, और अगर ये अकाउंट आप किसी और को ऑथराइज करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम और CNIC नंबर विद एक्सपायरी लिखेंगे। ऑक्यूपेशन में आप जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं आप उस लैब पर टिक करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर टिक करेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन लिखेंगे, अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे एज पर CNIC। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर टू, जो कि जॉइंट एप्लीकेंट के लिए। मैक्सिमम आप चार लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और यहाँ पे आप उनकी डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पेज के एंड पर साइन करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर थ्री पर, जो कि है डिविडेंड मैंडेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आए तो आप यहाँ येस पर टिक करेंगे, अकाउंट टाइटल लिखेंगे, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, ब्रांच का एड्रेस लिखेंगे, नेशनलिटी पाकिस्तान लिखेंगे, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर अपना NTN नंबर लिखेंगे। इसके बाद है ज़कात स्टेटस। अगर आप ज़कात खुद से पे करना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर टिक करेंगे और हमें CZ फॉर्म स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो नॉमिनी में आप अपनी फैमिली या स्पाउस में से किसी को भी रख सकते हैं, उनकी सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है CDC SMS IVR वेब सर्विस, जो कि फ्री है। उसके लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अगर ये स्टेटमेंट आप मंथली बेसिस पे चाहते हैं तो मंथली पे, और क्वार्टरली पे तो क्वार्टरली पे टिक करेंगे, और यहाँ दोनों पर यस पे टिक करेंगे। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और अपनी मदर का कंप्लीट नेम लिखेंगे और यहाँ साइन करेंगे। इसके बाद है पेज नंबर फोर, यहाँ पे आप नेम ऑफ सिग्नेचर में अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे। यहाँ बैंक वेरीफिकेशन में आप अपने बैंक से सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, बैंक आपके सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, ऑथराइज ऑफिसर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखेगा और इस पेज के एंड पर आप साइन करेंगे। नेक्स्ट है CDC के टर्म्स एंड कंडीशंस। आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दफ़ा रीड करेंगे, पेज के एंड पर साइन करेंगे। इसके बाद है डिस्क्लेमर फॉर CDC एक्सेस। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे, और अपनी फैमिली या फ्रेंड में से कोई भी से दो विटनेस आप यहाँ पर CNIC उनके सिग्नेचर करवाएंगे। इसके बाद है ज़फर सिक्योरिटीज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और दोबारा से सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस में अगर आप ये अकाउंट खुद से ऑपरेट करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखेंगे, सिंगली पर टिक करेंगे और पेज पे साइन करेंगे। इसके साथ दो टर्म्स एंड कंडीशंस के पेजेस हैं, आप उन दोनों को एक दफ़ा रीड करेंगे और उन दोनों पेजेस के एंड पर साइन कर देंगे। इसके बाद है थर्ड KYC फॉर्म। यहाँ पे आप अपनी डेट लिखेंगे, अपनी सारी डिटेल दोबारा से लिखेंगे, और यहाँ नेशनलिटी में पाकिस्तानी पर टिक करेंगे, अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे जैसे कि CDC के पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम लिखेंगे। इसके बाद है मंथली इनकम। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख के अंडर है तो आप इस स्लैब पर टिक करेंगे, अगर 1 लाख से ऊपर है तो वो कुछ स्लैब दिए हुए हैं, आप उन पर टिक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट में भी आप इसी तरह टिक करेंगे, अगर 1 लाख के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अंडर वाले और इससे बाप करना चाह रहे हैं तो इन स्लैब पर आप टिक करेंगे। डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन में आप दोबारा से अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेजिग्नेशन लिखेंगे, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं आप उन्हें रीड करें, यस और नो में टिक करें और इस पेज पर एंड पर साइन कर दें। इसके बाद KYC के सेकंड पेज पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा रीड करें और इस पेज पर साइन कर दें। टोटल 14 सिग्नेचर्स होंगे, बैंक वेरीफिकेशन होगी, मेन एप्लीकेंट और नॉमिनी के ID कार्ड की अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपको हमें प्रोवाइड करना होगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।